हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। यूपीएससी की तरफ से इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2022 का ऑनलाइन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्या रहने वाली है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। इसलिए हमारे वीडियो में बने रही, ताकि आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फ्रेंड्स, ये हम यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। हम फ्रेंड्स अब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जो जारी हुआ है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है आपकी 22/9/2021 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, और इसकी लास्ट डेट जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं 12/10/2021 लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ फॉर्म है। एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट भी यहाँ 12/10/2021 रखी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 200 रुपये रखे गए हैं। एससी एसटी पीएच और फीमेल्स के लिए यहाँ कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसी यहाँ 247 वैकेंसी आई हुई हैं, और अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी आई हैं। आप पोस्ट वाइज देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ट्रेड वाइज बीई या बीटेक, इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है। एप्लीकेशन में दी गई आप अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी दी गई है रिक्वायरमेंट की, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर की कैटेगरी आप देख सकते हैं, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये सब ग्रुप ए की, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रुप ए, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्वे सर्विस, एई सिविल इन बॉर्डर, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग सर्विस, ये कैटेगरी मैकेनिकल कैटेगरी में पोस्टेज निकली हैं, और ये इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में पोस्टेज निकली हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में निकली हैं पोस्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं। एग्ज़ाम वीक की बात करें तो इसमें आपके दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्री और मेन। ये देख सकते हैं सेंटर ऑफ इंजीनियरिंग प्री एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये देखिए सेंटर दिए गए हैं प्री एग्जामिनेशन के लिए, कि इन सेंटर्स पे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ये मेन के एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं, तो आप इन्हीं को ध्यान में रख के अपना फॉर्म भरिएगा। अगर जो फ्रेंड्स आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं कर सकते हैं www.upscionline.nic.in पे विजिट जाके आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। प्लीज़ चूज़ द एग्जामिनेशन टू अप्लाई फॉर, आवेदन के लिए परीक्षा का चयन करें, पार्ट वर्ड कर आप इस पर क्लिक करेंगे, ब्लू रंग के लिखा है यहाँ पर। इसके बाद आप ये पूरा पढ़ेंगे अच्छे से क्या क्या दे रखा है इसमें, यस, फिर आप उस पर यस यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका ये फॉर्म फिल खुल जाता है। इसमें आप अपना डिटेल, नेम, जेंडर, DOB, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन, ये सब फिल करने के बाद आप इसमें आगे कंटिन्यू करके इस तरह से अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये देखिए पेमेंट कर सकते हैं, फिर फ़ोटो, साइन, ये सब आपको इसमें करना है, सेंटर का सिलेक्शन करना है, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपना फॉर्म पूरा भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।